हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है चैप्टर 5 एक्सप्लेन किया जाएगा जीके का, यूनिट एनिमल फैक्ट्स। नंबर फर्स्ट, द हार्ट ऑफ ए श्रिम्प इज लोकेटेड इन इट्स हेड। इसमें आप देख रहे हैं कि श्रिम्प का हार्ट जो है उसके हेड में होता है। श्रिम्प का हार्ट कहाँ स्थित होता है? उसके हेड में होता है। श्रिम्प मतलब झींगा, ठीक है। झींगे का जो हार्ट होता है वह उसके सिर में स्थित होता है, ठीक है। ये सब एनिमल फैक्ट्स हैं, यूनिक अनोखा, जानवरों के बारे में, अनोखा चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। यूनिक एनिमल फैक्ट्स, ठीक है। जानवरों का अनोखा चीज क्या होता है इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो पहला आपने देखा, द हार्ट ऑफ श्रिम्प इज लोकेटेड इन इट्स हेड। झींगे का हार्ट जो है वह उसके हेड में स्थित होता है। सेकंड देखें, इट टेक्स अ स्लोथ 2 वीक टू डाइजेस्ट इट्स फूड। स्लोथ जो है वह 2 वीक, 2 हफ्ते में अपना फूड जो है डाइजेस्ट करता है। स्लोथ जो है उसको फूड डाइजेस्ट करने में कितना समय लगता है? 2 वीक्स लगता है। 2 हफ्ते में वो अपना फूड डाइजेस्ट करता है। नियरली 3% ऑफ द आइस इन एंटार्क्टिक ग्लेशियर इज पेंगुइन यूरिन। तो लगभग आप देख रहे हैं कि 3% जो बर्फ है आर्कटिक ग्लेशियर का वह किससे जमा हुआ है? वह पेंगुइन के यूरिन से जमा हुआ है, ठीक है। पेंगुइन जो है वह वहाँ पाए जाते हैं, पेंगुइन उनके यूरिन, ठीक है, उनके द्वारा जो यूरिन सिक्रेट किया जाता है, निकाला जाता है, उसी से लगभग 3% बर्फ जो है आर्कटिक का बना हुआ है। जिराफ हैव नो वोकल कार्ड। जिराफ के पास जो है वोकल कार्ड नहीं पाए जाते हैं। जिराफ के पास जो है वोकल कार्ड नहीं होते हैं। एन ऑस्ट्रिच आई इज बिगर देन इट्स ब्रेन। ऑस्ट्रिच का जो आई होता है वह उसके ब्रेन से बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच का आँख जो है, ठीक है, वह उसके ब्रेन से क्या होता है? बड़ा होता है। 6 देखें, टाइगर आर द लार्जेस्ट कैट स्पीसीज इन द वर्ल्ड एंड द 3rd largest कार्निवोर ऑन लैंड। ओनली पोलर एंड ब्राउन बियर आर लार्जर। तो टाइगर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो है कैट स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड का। टाइगर्स जो है वह सबसे बड़े जो हैं कैट स्पीसीज हैं वर्ल्ड के, एंड 3rd largest कार्निवोर हैं लैंड पे। और ज़मीन पे कहा जाए तो 3rd largest कार्निवोर हैं। कार्निवोर की अगर बात की जाए तो यह 3rd नंबर पे आते हैं। ओनली पोलर एंड ब्राउन बियर आर लार्जर। उससे जो बड़े हैं वह सिर्फ पोलर और ब्राउन बियर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यूनिक एनिमल फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल के बारे में अनोखा क्या है इसके बारे में। तो पहला आपने देखा, द हार्ट ऑफ ए श्रिम्प इज लोकेटेड इन इट्स हेड। झींगा का जो हार्ट होता है वह उसके हेड में स्थित होता है। इट टेक ए स्लोथ 2 वीक टू डाइजेस्ट इट्स फूड। स्लोथ जो है 2 हफ्ते में अपना फूड डाइजेस्ट करता है। नियरली 3% ऑफ द आइस इन आर्कटिक ग्लेशियर इज पेंगुइन यूरिन। लगभग 3% जो आइस बना हुआ है, ठीक है, आर्कटिक ग्लेशियर का, वो पेंगुइन के यूरिन से बना हुआ है। जिराफ हैव नो वोकल कार्ड्स। जिराफ के पास जो है कोई वोकल कार्ड्स नहीं होता है। एंड ऑस्ट्रिच आई इज बिगर देन इट्स ब्रेन। ऑस्ट्रिच की जो आई होता है वह उसके ब्रेन से बड़ा होता है। टाइगर आर द लार्जेस्ट कैट स्पीसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड्स में सबसे बड़ा जो स्पीसीज है टाइगर होता है, ठीक है। एंड द 3rd largest कार्निवोर ऑन लैंड। और लैंड पे, जमीन पे जो है 3rd नंबर पे यह कार्निवोर में आता है। ओनली पोलर एंड ब्राउन बियर आर लार्जर, ठीक है, ठीक है। तो जो 2 बच गए हैं वो हैं पोलर बियर और ब्राउन बियर्स जो हैं वो इससे बड़े होते हैं। नेक्स्ट देखें, 7 नंबर,
एंट्रिएटर्स डोंट हैव टीथ, ठीक है, एंट्रिएटर्स के पास जो है टीथ नहीं होता है, ठीक है। एंट्रिएटर्स में चींटी खाने वाले, इनको चींटी खोर भी कहते हैं, चींटी खाने वाले, चींटी खोर, इनके पास जो है टीथ नहीं होते हैं, इनके पास दांत नहीं होते हैं। कैट्स कैन नॉट टेस्ट शुगर, ठीक है, जो बिल्लियां होती हैं वह शुगर का टेस्ट नहीं ले सकती हैं, ठीक है। जो शुगर का टेस्ट होता है मीठा, वह बिल्लियों को पता नहीं चलता है। कैट्स कैन नॉट टेस्ट शुगर, दे डोंट हैव स्वीट टेस्ट बर्ड, इनके पास जो है मीठे का स्वीट बर्ड नहीं होता है, ठीक है। मीठा जिससे पता चले वह सेंस ऑर्गन में नहीं होता है, वह बर्ड्स में नहीं होता है। तो कैट्स जो है वह शुगर के टेस्ट को, ठीक है, अनुभव नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनमें टेस्ट बर्ड स्वीट का नहीं होता है, ठीक है। टाउकैंस कॉल इनटू ए स्मॉल बॉल व्हेन दे स्लीप, ठीक है। तो यह टाउकैंस कॉल जो एनिमल्स है, यह जो है जब सोता है तो वह सिकुड़ कर एक छोटे बाल के रूप में हो जाता है, ठीक है। टाउकैन कॉल्स जो है सोने पर, स्लीप करने पर कैसा हो जाता है, सिकुड़ कर एक छोटे बाल की तरह हो जाता है। कोयलास स्लीप अप टू 22 आवर ए डे, ठीक है। कोलास जो है, कोलास एनिमल जो है वह 22 घंटों तक सोता रहता है। कोलास स्लीप अप टू 22 आवर अ डे, दिन में जो है 22 घंटों तक सोता रहता है। कोलास जो है एक भालू जैसा जानवर होता है, ठीक है, एक भालू जैसा कोलास जानवर होता है, जो दिन में, ठीक है, जो 22 घंटों तक सोता रहता है। कोलास जो है 22 घंटों तक सोता रहता है। ऑक्टोपस कैन टेस्ट विद देयर आर्म्स, ऑक्टोपस के, ठीक है, टेस्ट जो है अपने आर्म से पता करता है। ऑक्टोपस जो है टेस्ट जो है अपने आर्म से पता करता है। ऑक्टोपस कैन टेस्ट विद देयर आर्म्स, ऑक्टोपस जो है टेस्ट जो है अपने आर्म से पता करता है। क्रोकोडाइल कैन ग्रो फॉर मोर देन 30 ईयर, क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वह 30 सालों से अधिक समय तक बढ़ते रहते हैं। क्रोकोडाइल्स जो हैं वह 30 सालों से अधिक समय तक बढ़ते रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्रोकोडाइल जो है कैन ग्रो फॉर मोर देन 30 ईयर्स, क्रोकोडाइल जो है 30 सालों से अधिक उम्र तक बढ़ते रहते हैं। तो इसमें आपने देखा एंट्रिएटर्स डोंट हैव टीथ, चींटी खोर के पास दांत नहीं होते हैं। कैट कैन नॉट टेस्ट शुगर, दे डोंट हैव स्वीट टेस्ट बर्ड, कैट जो है शुगर का टेस्ट नहीं मिल सकती है उसको, क्योंकि उसके पास स्वीट टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। टाउकेंस कॉल इनटू ए स्मॉल बॉल व्हेन दे स्लीप, टाउकेंस कॉल जब सोता है तो स्मॉल बॉल की तरह हो जाता है सुकुड़ के। कोलास स्लीप अप टू 22 आवर अ डे, कोलास स्लीप जो भालू जैसा जानवर है वह 22 घंटों तक सोता है। ऑक्टोपस कैन टेस्ट विद देयर आर्म, ऑक्टोपस के जो टेस्ट है वो उसके आर्म से मिलता है। क्रोकोडाइल कैन ग्रो फॉर मोर देन 30 ईयर, क्रोकोडाइल जो है वह 30 साल से अधिक समय तक क्या होता है, वह बढ़ता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा जीके का चैप्टर नंबर 5 यूनिट एनिमल फैक्ट्स। आप इसका रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।